साथियों, देश के हर गरीब का सशक्तिकरण बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन गरीब कल्याण की मोदी की योजनाओं पर यहां की टीएमसी सरकार ब्रेक लगा देती है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने गरीबों के पक्के घर के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए भेजे। मोदी कहता है कि पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाए, लेकिन टीएमसी कह रही है कि केंद्र का पैसा पहले उनके खाते में आए। अब आप मुझे बताइए, जनता के हक का पैसा मैं टीएमसी को कैसे लूटने दूं? साथियों, पश्चिम बंगाल की हर बहन के घर पर नल से जल आए, इसके लिए केंद्र सरकार पैसा दे रही है, लेकिन उत्तर बंगाल में नल से जल पहुंचाने वाली योजना का लाभ ठीक से नहीं मिल पा रहा। मोदी ने यहां की लाखों बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया है। नई पीढ़ी के जो लोग अपना परिवार बसा रहे हैं, उन्हें भी मैं मुफ्त गैस कनेक्शन देना चाहता हूं। लेकिन भ्रष्ट, गरीब और एससी एसटी विरोधी टीएमसी सरकार ये होने भी नहीं दे रही है। आयुष्मान भारत योजना से देश भर के करीब 30,000 अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिल रहा है। टीएमसी की गरीब विरोधी सरकार इस योजना को भी बंगाल में लागू ही नहीं होने दे रही है। साथियों, टीएमसी की किसान विरोधी सरकार पीएम किसान निधि में भी रोड़े अटकाती है। विदेशों में यूरिया की जो बोरी 3,000 रुपए की मिलती है, वो बीजेपी सरकार किसानों को 300 रुपए से भी कम दाम में दे रही है, लेकिन यहां इसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। किसानों को परेशान किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, यहां के चाय बागानों की समस्या किसी से छुपी नहीं है। देश में जहां भी चाय बागान है, उनमें से सबसे बुरा हाल बंगाल के चाय बागानों का है। टीएमसी का छोटे से छोटा नेता भी बड़े बड़े बंगलों में रहता है, लेकिन चाय बागान के मेरे परिवारों को मूल सुविधाएं तक नहीं मिल रही है। टीएमसी सरकार ने चाय बागानों को, टी इंडस्ट्री को अपने हाल पर छोड़ दिया है। बदहाली की वजह से कई बागान बंद हो गए हैं। इसलिए इस चुनाव में टीएमसी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है।